परेशानियों से दंगल कर रहे व्यापारी मोदी सरकार से राहत की आस लगाए बैठे थे और मोदी सरकार ने भी उन्हें निराश नहीं किया। मोदी सरकार ने बीते दिनों एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। एटीएम यानी आज तक मनी में हम इन्हीं फैसलों का विश्लेषण करेंगे। मैं हूं प्रथम द्विवेदी, आइए फटाफट देखते हैं आज तक मनी में इस हफ्ते क्या क्या है खास। क्या जीएसटी में कटौती करेगी सरकार? कोल माइनिंग में 100% एफडीआई से क्या होगा? मंदी के दौर में म्यूचुअल फंड कितना है सही? क्या फ्री नहीं रहेगा फेसबुक? और जानिए क्यों एटीएम से कैश निकालने पर लगेगा ओटीपी। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मोदी सरकार ने बीते दिनों धड़ाधड़ फैसले लिए। इन फैसलों का तात्कालिक असर भी दिखा, लेकिन मंदी के दौर में कमाई की आस लिए बैठे व्यापारियों के लिए ये कितना मददगार साबित होगा ये कहना मुश्किल है। पहले वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर को सहारा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की घोषणा की। फिर सरकार को मिला आरबीआई के 1.76 लाख करोड़ रुपए का सहारा और उसके बाद कैबिनेट ने भी लिए कुछ बड़े फैसले। सरकार के इन प्रयासों का असर ये हुआ कि सोमवार और मंगलवार को शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली, लेकिन शुक्रवार आते आते निवेशकों का उत्साह हवा हो गया। अप्रैल जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ी, जो कि जनवरी मार्च तिमाही के 5.8% से काफी कम है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड और पुअर ने तो यह कह दिया कि बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है। ऐसे में समस्या सरकार के सामने अभी मुंह बाए खड़ी है। वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए जो मदद पेश की है, अभी उसमें एक कमी दिखाई दे रही है और वो है वाहन खरीद में लगने वाले जीएसटी का घटना। फिच सॉल्यूशंस मैक्रो रिसर्च के अनुसार ऑटो सेक्टर के हालात को सुधारने के लिए जीएसटी की दरों में कमी के साथ साथ व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम भी लानी होगी। ऐसे में जब सरकार के पास टैक्स से होने वाली कमाई की कमी पूरी करने के लिए आरबीआई से मिली पूंजी है, तो क्या सरकार वाहन खरीद पर लगने वाले जीएसटी को घटाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या हो सकते हैं जीएसटी घटाने के फायदे और नुकसान, समझते हैं अपने एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी से। जीडीपी के आंकड़े ने सरकार ही नहीं पूरे बाजार को चौंका दिया है। इस बात की संभावना थी कि भारत की आर्थिक विकास दर तेजी से गिरेगी और वो 5% पर आ गई है, बल्कि जीवीए में विकास दर 4.9% है। सरकार के पैकेजों का असर नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद इस बात पर टिकी कि क्या सरकार जीएसटी की रेट घटाएगी, पर अगर सरकार जीएसटी की दर में कटौती करती है तो सरकार के राजस्व की स्थिति और खराब होने वाली है। इस साल जीडीपी के आंकड़े की रोशनी में सरकार को राजस्व में 4-5% की विकास दर मिलना मुश्किल है, जबकि लक्ष्य 17% का है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जीएसटी घटाए जाने के बाद भी लोग कारें खरीदना या सामान खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि जीएसटी अपने लॉन्च होने के बाद से लगभग हर 6 महीने में कम होता रहा है और कई सारी चीजों को क्रमशः ऊंचे टैक्स रेट से बाहर निकाला गया है। तो एक तरीके का दुष्चक्र है, उसमें शायद सरकार उतरना पसंद नहीं करेगी, बल्कि उसे अपना राजस्व बचाना है, इसलिए रिजर्व से पैसा लिया गया है। भारत सरकार ने कोल सेक्टर में निवेश का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद अब विदेशी कंपनियां भी भारत में कोल माइनिंग कर पाएंगी। नया निवेश आएगा, नई तकनीक आएगी और पावर कंपनियों के पास कोयले की शॉर्टेज कम होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पावर शॉर्टेज की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये ख्याल सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन असलियत से थोड़ा परे। देखिए कैसे। कोल सेक्टर में 100% एफडीआई के निर्णय के बाद ऐसा माना जा रहा है कि देश में कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, लेकिन इस मोर्चे पर अभी सरकार को कुछ मुद्दे पर सफाई लानी होगी और कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे। मसलन जो कंपनियां भारत में माइनिंग करने आएंगी, क्या उन्हें निर्यात और बाजार में कोयला बेचने के समान अधिकार मिलेंगे? ऐसा करने के लिए सरकार को कानून में संशोधन करने होंगे। इसके अलावा जब दुनिया भर की कंपनियां ग्रीन एनर्जी पर निवेश की योजना बना रही हैं, तब भारत में ये फैसला कितनी कंपनियों को प्रभावित करेगा ये देखने वाला होगा। देश के कुछ हिस्सों में कोयले का आयात घरेलू कोयले से सस्ता है, ऐसे में अभी भारत में निवेश कंपनियों के लिए कितना लुभाएगा ये भी देखना होगा। भारत में कोयले की क्वालिटी भी दुनिया भर के बाजारों में एक चिंता का विषय हो सकती है। चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं अपने एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी से। कोयला क्षेत्र में यह सुधार आज से 1 दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे करने में इतनी देर हुई। लेकिन अब भारत में कमर्शियल माइनिंग में विदेशी निवेश की इजाजत के साथ सरकार ने कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया का निजी का एक अधिकार समाप्त कर दिया है और अब देश में कोई भी कंपनी आकर कोयला निकालकर बेच सकेगी। लेकिन इस सुधार की सिर्फ शुरुआत भर है, इसके बाद कोल सेक्टर में एक रेगुलेटर बनाने की जरूरत होगी, ऑक्शन की पॉलिसी बदलनी होगी, ये तय करना होगा कि कंपनियों को कौन सी खदानें दी जाएं, क्या उन्हें निर्यात करने की छूट होगी और क्या भारत के बाजार में इस उत्पादित कोयले के खपत की संभावना भी होगी कि नहीं। इसलिए सुधारों की शुरुआत है, देर से हुई शुरुआत है। ये सुधार दुरुस्त होगा या सुस्त, ये थोड़े समय बाद पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि इस समय निवेश का सबसे अच्छा जरिया म्यूचुअल फंड है, तो ये आपका भ्रम हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय जब कर्ज लेने के साधन सीमित हैं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी, म्यूचुअल फंड भी सही नहीं है।
देखिए कैसे। आईएल एंड एफएस संकट को करीब एक साल हो गया है और एनबीएफसी क्षेत्र के हालात बीते एक साल में बस से बदतर हो गए हैं। एनबीएफसी कंपनियों के दिक्कत में फंसने का असर केवल उन कंपनियों या ग्राहकों पर नहीं पड़ा है जो उनसे कर्ज लेते थे, बल्कि म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार में निवेश करने वाले उन निवेशकों पर भी पड़ा जिनका पैसा एनबीएफसी में लगा था। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इस समय दोहरी परेशानी से गुजर रहे हैं, पहली बाजार टूटने से घटती एनएवी और दूसरी एनबीएफसी सेक्टर को कमर्शियल पेपर के रास्ते दिए गए कर्ज। एनबीएफसी से रिडम्पशन अभी मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई ग्राहक म्यूचुअल फंड में बिकवाली करता है तो एएमसी को उन एसेट को बेचना पड़ रहा है जो फायदे में है। फंड मैनेजर्स को अब ये चिंता सता रही है कि एनबीएफसी सेक्टर की समस्या का हल अगर समय रहते नहीं निकला और खराब बाजार में निवेशकों की ओर से पैसा निकालने की होड़ लग गई तो डिफॉल्ट जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। ताजा आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने एनबीएफसी से अपना एक्सपोजर कम करके सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ा दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आप ध्यान से अपने निवेश की एनएवी पढ़ते रहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड उद्योग के अच्छे दिनों पर थोड़ा सा संकट का साया है। संकट का साया इसलिए है क्योंकि जो कमजोर म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाते थे उनकी बुरी हालत है। म्यूचुअल फंड्स के पास जो नकदी थी उन्होंने उसे कमर्शियल पेपर्स में लगाया जो कि हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसीज के थे, वहां से उनके रिटर्न फंस रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक चुनौती और एक दबाव का दौर शुरू हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में केवल शेयरों की कीमत पर ही निगाह ना रखिए, अपनी एसआईपी पर निगाह रखिए और कोशिश करिए कि वो कंपनियां या वो फंड जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन तक सीमित करें। म्यूचुअल फंड को अब एक मुश्किल भरे दौर से गुजरना पड़ेगा। इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। आपको याद है आपने ये लाइन कहां पढ़ी है? वेल, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। ये लाइन आपने फेसबुक के होम पेज पर पढ़ी होगी, लेकिन ये लाइन अब फेसबुक के होम पेज से गायब हो गई है। क्या हो सकते हैं इसके कारण, आइए समझते हैं। तो फेसबुक के होम पेज पर अब आप इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी की जगह इट्स क्विक एंड इजी कहती हुई लाइन देख रहे होंगे, यानी ये क्विक है और आसान है। इस छोटे से बदलाव से फेसबुक के यूजर्स में भारी उत्सुकता है और वो ट्विटर और फेसबुक पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या फेसबुक अब फ्री नहीं रहेगा। एक एक्सपर्ट ने कहा है कि 2008 से फेसबुक के होम पेज पर काबिज इस लाइन को बदलने की वजह पब्लिक सेंटिमेंट हो सकता है, क्योंकि आम जनता अब फेसबुक को फ्री नहीं मानती। एक रिपोर्ट की माने तो ये बदलाव 7 अगस्त के बाद हुआ है, लेकिन फेसबुक ने अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। टीम के ऑटो सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं इस हफ्ते लॉन्च हुई रेनो की ट्रिबर कार। टेक में देखिए दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी और मोबाइल में जानिए हाल ही में लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की खूबियां। रेनो ने अपनी ट्रिबर कार भारतीय ऑटो मार्केट में लॉन्च कर दी। 7 सीट वाली ये कार एक मल्टीपर्पज व्हीकल है जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम है। कंपनी का दावा है कि ये कार रेनो क्विड और डस्टर के बीच के गैप को भरेगी। इस कार का मुकाबला ह्यूंडई की नई लॉन्च ग्रैंड आई10 नियोस और मारुति सुजुकी अर्टिगा से रहेगा। इस कार के आरएक्सी वर्जन की कीमत 4.95 लाख रुपए है। इसके अलावा ये कार अन्य 3 वर्जन में उपलब्ध होगी। ये 3 वर्जन आरएक्सएल, आरएक्सटी और आरएक्सजेड हैं जिनकी कीमत है 5.49 लाख, 5.99 लाख और 6.49 लाख रुपए। हम दिखा रहे हैं आपको एक ऐसी चीज जो आपने अभी से पहले कभी नहीं देखी होगी, ओलेड टीवी जो कि है ट्रांसपेरेंट। ये है वो टीवी। इसकी खासियत ये है कि ये ट्रांसपेरेंट ओलेड टीवी एलजी का, ये है दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी। और अगर आपको यकीन ना है तो देख लीजिए। तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ओलेड टीवी फ्रॉम एलजी और इसकी खासियत यही है कि ये है 38% ट्रांसपेरेंट। जो इसका डिस्प्ले है वो 38% ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। वहीं बाकी की भी जानकारी हम आपको दे देते हैं इस टीवी के बारे में। डिज़ाइन तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लीक और स्लिम है और काफ़ी खूबसूरत है देखने में, और एक ही झलक में आपको पता चल जाता है कि दिस टीवी इज़ डिफरेंट। आपको बता देते हैं इसकी खासियत भी, जैसा बताया कि 38% ट्रांसपेरेंट है ये। रेजोल्यूशन जो है इसका 1920x1080 है और ये फुल HD टीवी है। लैंडस्केप यानी लंबाई में या पोर्ट्रेट मोड यानी सीधा, जी हाँ किसी भी तरह आप इसे रख सकते हैं। सो ये आपको आप सीधा भी लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी इसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसकी खासियत यही है कि अगर आप इसे शोरूम में भी लगाना चाहते हैं, जो लोग शोरूम का काम करते हैं वहाँ भी ये यूज़ हो सकता है, विद अ सिंपल रीज़न दैट हेयर इज़ द टीवी और जो भी प्रोडक्ट है वो उसके पीछे रख दिया जाएगा और उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ टीवी में दिखाई देगी। तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं पीछे से और उसकी डिटेल जो है आपको स्क्रीन पे फ्लैश होती दिखेगी। जी हाँ, यही खासियत है इस टीवी की। फिलहाल आपको बता रहे हैं हम इसके टॉप 6 फीचर्स जो हमें पसंद आए हैं और इसमें खास हैं।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन का जो मजा है वो आप भरपूर ले सके जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी इस पे देख रहे हैं। नो बेजल एट ऑल। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, दिस इज द स्पेशल डिजाइन एंड अ स्पेशल कलर ऑफ द सैमसंग जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, इट्स अ ब्यूटिफुल कलर एंड दिस इज अ न्यू ऑरा कलर एज यू कैन सी। सो नेक्स्ट फीचर हियर विच इज़ अ टॉप फीचर जो स्टैंड आउट करता है वो है कैमरे का फीचर, जहाँ पे आप एक लाइव वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग द वीडियो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा और सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो फोकस में रहेगा। आइए आपको हम एक डेमो दिखा देते हैं। सो इफ वी वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, आई फाउंड अ फेस, आप जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो ब्लर कर सकते हैं। वी कैन जस्ट मूव क्लोजर टू द सब्जेक्ट एंड नाउ यू कैन सी जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा एंड वी कैन रिकॉर्ड द वीडियो व्हाइल इट्स ब्लर। तो 3D कैमरा आपको दिखाया हमने जिसमें लाइव वीडियो फोकस एडजस्ट हो सकता है और अब उसी वीडियो को आप एडिट भी कर सकते हैं यही फोन में। और वीडियो हम गए यहाँ पर इनबिल्ट है, एडिट कर सकते हैं आप यहीं पर ही, ये देखिए। वहीं आप कुछ कलर एडजस्ट करना चाहते हैं, लुक देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं वीडियो को। तो जिस तरह से पिक्चर्स से आप खेल सकते हैं वैसे ही आप वीडियो से भी खेल सकते हैं। सो मैंने ये कलर फिलहाल चूज कर लिया है। इंटेंसिटी आपको फेस की क्या करनी है वो भी देख सकते हैं, स्किन टोन आपको चेंज करना है वो भी हो सकता है। तो कहीं बाहर गए हुए हैं, लैपटॉप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं खड़े खड़े आपका वीडियो एडिट हो सकता है। ओके, आई विल कॉल यू बैक, बाय। बहुत देर बात करेंगे और सोशल मीडिया पे रहेंगे, गेम्स खेलेंगे तो भी आपका साथ पूरा दिन निभाएगा। इसमें दी गई है 4300 mAh की बैटरी। जी हाँ, 4300 mAh की बैटरी दी गई है Samsung Note 10 Plus में। एंड द आउटस्टैंडिंग फीचर हियर, सिर्फ 30 मिनट्स, जी हाँ आधा घंटा इसे चार्ज करना है, सुपर फास्ट चार्जिंग है, फुल डे आपका साथ निभाएगा। इज़न्ट दैट अमेजिंग? इट इज। ये मैजिकल पेन, दी एस पेन, जी हाँ सभी लोग इसे जानते हैं, पर अब इसमें और भी ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं। ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल है इस फ़ोन का। तो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स भी, तो देख लेते हैं क्या क्या और हो सकता है इससे। सो ये तो फीचर पता ही है सबको, वी कैन क्रिएट नोट, वी कैन व्यू ऑल नोट, स्मार्ट सेलेक्ट स्क्रीन शॉट आता है, स्क्रीन वाइट हो जाती है, लाइव मैसेज है, AR डूडल है, यू कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, स्क्रिबल नोट्स तो आप ले सकते हैं। वेल, अब अनदर एक्साइटिंग फीचर इज ऑफकोर्स द सैमसंग डेक्स। जी हाँ, अब ये फ़ोन जो है सैमसंग डेक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपका फ़ोन आपके मॉनिटर से सीधा एक केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड वट एवर यू आर स्क्रिबलिंग ऑन योर फोन और यू वॉन्ट इट ऑन योर मॉनिटर कैन बी डन। और उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है सीधे तौर पर, जस्ट कनेक्शन आपके फ़ोन में और सीधा आपका फ़ोन बन जाता है डेक्स, एंड दैट्स अगेन एन अमेजिंग फीचर। आइए फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट देखते हैं वो खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की, जिसके बाद देश में 18 से घटकर अब सिर्फ 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक हो जाएंगे, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय होगा, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज होंगे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय होगा। देश की आईटी सेक्टर में मंदी का असर बेअसर दिख रहा है। अप्रैल से जून की तिमाही में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रिकॉर्ड 85,000 नई नौकरियां दी गईं, जो पिछले 6 साल में इस सेक्टर में किसी एक तिमाही में दी गई सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। BSNL ने 2 नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं, जिनमें रोज 10 GB 4G डेटा मिल रहा है। इन प्लान्स की कीमत 96 रुपए और 236 रुपए है। इन प्लान्स की वैलिडिटी 28 दिन और 84 दिन है और ये प्लान्स उन्हीं सर्किलों के लिए हैं जहां कंपनी अपनी 4G सेवाएं दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई स्कीम PNB एडवांटेज की शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत बैंक के करोड़ों ग्राहकों को सस्ती दर पर होम और ऑटो लोन मिलेगा। ये एक रिटेल लोन स्कीम है जिसके तहत बैंक ने लोन को रेपो रेट से लिंक कर दिया है। मोदी सरकार ने इस हफ्ते गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके साथ ही सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में आएगा। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है महंगाई मीटर। आइए फटाफट देखते हैं आपके किचन से जुड़े सामानों के दाम पिछले एक हफ्ते में कितना बदले।
लगातार सामने आ रहे बैंक फ्रॉड से निजात पाने के लिए बराबर कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने बैंकों को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिन्हें अगर मान लिया जाए तो इस फर्जीवाड़े पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। SLBC यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने बैंकों को सलाह दी है कि दो बार ATM से ट्रांजैक्शन करने के बीच कम से कम 6 से 12 घंटों का अंतर रखा जाए। इसके अलावा ATM से पैसे निकालने पर खाता धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP भेजने का सुझाव भी सामने आया है। आपको बताते चले कि केनरा बैंक ने ATM से एक दिन में 10,000 रुपए निकालने के लिए OTP अनिवार्य कर दिया है। अगर ये सुविधा सभी बैंकों में लागू हो गई तो इससे ATM फ्रॉड से निपटने में काफी सहायता मिलेगी। लेकिन दो ट्रांजैक्शन के बीच अगर 6 से 12 घंटों का अंतर रखा गया तो इससे लोगों को समस्या भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ATM से एक बार में निर्धारित मात्रा में ही कैश निकाला जा सकता है। ऐसे में ये दो ट्रांजैक्शन के बीच का गैप इमरजेंसी सिचुएशन में ग्राहकों को उन्हीं के पैसे से वंचित कर सकता है। आज तक मनी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए आज तक से।